हेलो प्यारे बच्चों, आई एम सुमन प्रेजेंटिंग यू कार्यपत्रक 4 आपके सामने लेकर आई हूँ। उससे पहले एडवला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी क्लास 7 दादी माँ कार्यपत्रक नंबर 4। बच्चों यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ अपने टीचर का नाम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए और साथ ही साथ अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी सारी बातें बताते हैं। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। यानी लेखक यहाँ कहना चाहता है कि हर मौसम की अपनी अलग बात होती है। सर्दी गर्मी बरसात हर किसी की। आषाढ़ में आम मिलता है और जामुन ना मिले चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा, चिवड़ा मतलब चूड़ा बोलते हैं इसे, ठीक है, और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। मतलब ये देखिए मौसम बता रहा है कि इस महीने में क्या क्या मिलता है, आम और जामुन। अगहन के महीने में क्या मिलता है, यानी ये महीनों का नाम है जिसपे मैं टिक लगा रही हूँ, और जो मिलता है गुड़ और चूड़ा, ठीक है। चैत के दिनों में, दिस महीनों का नाम, हिंदी में महीनों के नाम है, इंग्लिश में नहीं है। लाई, लाई के गुड़ के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, ये खाने की चीज है, अफसोस नहीं। पर क्वार, क्वार क्या, ये भी महीना के दिनों में इस पर गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा लगता। यानी चार महीनों के नाम यहाँ पे ले दिए, देखिए आषाढ़, अगहन, चैत, क्वार। लेकिन ये इसमें क्वार का महीना लेखक को बहुत पसंद है कि गंध वाला जो झाग वाला पानी होता है उसमें कूदने में उसको मजा आता था जब लेखक बहुत छोटा था बचपन में, तो ये उसको सबसे अच्छा लगता था। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क मतलब तड़प रहा था, हुड़क का मतलब होता है तड़प। दो एक दिन ही तो कूद सका, यानी कुछ ही दिन कूद पाया वो, किसमें, उस पानी में, झाग वाले गंध वाले पानी में। नहा धोकर बीमार हो गया, हल्की बीमारी ना जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। यानी लेखक को हल्की बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर, ज्वर क्या होता है, बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सिर में साधारण सा दर्द हो, खाने के लिए दिन भर नींबू और सागु मिलता रहता है, ये तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार जो ज्वर यानी बुखार चढ़ा लेखक को, तो बेचारा रजाई पे रजाई चढ़े जा रही थी उसको, यानी रजाई के ऊपर डाले जा रहे थे, और रात के 12 बजे के बाद जाकर उसका बुखार उतरा। साबु भी बेटा देखो, यहाँ साबुदाना लिखा हुआ है। अब तक आपने देखा कि अपने बचपन की बात लेखक याद करते हुए बता रहा है। शब्द है यहाँ पे बताने हैं जिनके अर्थ लिखे हुए। चिड़ा को चिड़वा बोलते हैं, थोड़ा मतलब तड़प, ज्वार बुखार, साबु साबुदाना को बोलते हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की। देखिए चार महीने हमने टिक लगाए थे, बड़ों से पूछ के सभी हिंदी महीनों के नाम लिखने हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। लेखक ने पहले तो आषाढ़, अगहन, चैत और क्वार हिंदी महीने की बात की थी। आधा क वार इस तरह से, और हिंदी महीने होते हैं देखिए, चैत, वैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, इस तरह से लिखा हुआ है। लिख लीजिए तो कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन, जैसे अंग्रेजी के महीने होते हैं वैसे हिंदी के होते हैं। प्रश्न नंबर 2, गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो देखिये आम, जामुन, चूड़ा, गुड़, लाई, इन सबके बारे में बताया गया था। प्रश्न 3, क्या लेखक बीमार कैसे हुआ और उसको कैसी बीमारी अच्छी लगती है। तो देखिये लेखक पानी में नहाने से, है ना, पानी में नहाने से बीमार हुआ था, हाँ, क्योंकि वो कीचड़ में कूद रहा था और उसके बाद जब वो नहा धो के निकला तो बीमार हो गया, है ना, ज्यादा ही पानी पानी हो गया, तो और हल्की बीमारी उसे अच्छी लगती है। 2 सवाल थे, 2 जवाब हो गए। प्रश्न नंबर 4, इस बार लेखक का ज्वर कितने बजे उतरा। तो ज्वर यानी बुखार 12 बजे के बाद उतरा है। प्रश्न 5 क्या है, आपको यदि ज्वर हो जाए यानी बुखार हो जाए तो आपको कैसा लगता है, और बुखार होने पे, ज्वर होने पे आप क्या क्या खाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे बुखार होता है तो मुझे अच्छा तो नहीं लगता भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और आप बुखार में क्या क्या खाते हैं। मैं तो हल्का खाना खाती हूँ,
फल आदि खाती हूँ और जूस पीती हूँ। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।